काफी टाइम हो गया था इस मूवी को देखे और उसकी एंडिंग भी भूल गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार यादों को फिर से ताजा किया जाए। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा वैनम वन जो 2018 में मूवी आई थी उसके बारे में। तकरीबन ये मूवी 2 घंटे लंबी है। अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन 3 मूवी देख रखी थी जिसके अंदर एडी और वैनम का किरदार दिखाया गया था, और इस मूवी का किरदार आप एडी और वैनम का किरदार देखें तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। स्पाइडरमैन 3 में जो वैनम का किरदार दिखाया गया था वो बहुत ज्यादा भयानक था, और सच कहूं मुझे ये वाला किरदार बहुत ज्यादा पसंद आया था एज कम्पेयर टू जो 2018 में मूवी आई वैनम के, उसमें जैसा दिखाया गया है। इस मूवी में दिखाया गया है कि वैनम और उसके जैसे जो जीव यानी जिसके जैसे क्रिएचर हैं वो धरती पर आते हैं, और इनको जिंदा रहने के लिए किसी शरीर की आवश्यकता होती है, वो चाहे किसी का भी हो, जानवर का भी हो सकता है, इंसान का यानी किसी का भी हो सकता है, और उसे ये होस्ट कहते हैं। इधर एडी अपनी लाइफ को सही से चलाने की कोशिश करता है, और इस सही से चलाने की कोशिश में वो एक दिन टकराता है किसी सिम्बियोट से। वैसे इनको सिम्बियोट कहा जाता है वैनम और इसके जैसे जो क्रिएचर इनको, तो किसी ऐसे सिम्बियोट से टकराता है। जब ये सिम्बियोट इसे टकराता है तो इसे बताता है कि इसका नाम वैनम है, और फिर आपस में ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ डील करते हैं ये सब चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई गई हैं। ये मूवी देखते वक्त आपको एहसास होगा कि एडी जो है वो कोई हीरो नहीं है, और ना ही वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, और उधर वैनम वैनम भी कोई हीरो नहीं है। इवन वो तो यार अपने आप को बचाने के लिए हर हद तक बचाने को तैयार है, इवन वो किसी को भी मार सकता है अगर उसके ऊपर कोई खतरा महसूस होता है। लेकिन जब ये मूवी खत्म होती है लास्ट में, लास्ट के थोड़े से जस्ट पहले, उसमें दिखाया जाता है कि भैया वैनम जो है वो लोगों के लिए लड़ रहा है, अपने ही जैसे जीव से यानी अपने जैसे क्रिएचर से लड़ते हैं। जब भी आप देखोगे तभी आप समझ जाओगे कि भाई लास्ट में वो किससे लड़ा है, कौन उसके खिलाफ था, कौन सा क्रिएचर था, मतलब उस जैसा क्रिएचर था, क्या उनकी सोच थी। ये जब आप मूवी देखोगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में कहा था कि वैनम का करेक्टर काफी ज्यादा दमदार है, और इसको सही से यूज करें तो इसके ऊपर कहानी बहुत अच्छे से बन सकती है, लेकिन इसके मेकर्स ने इसका सही से यूज नहीं किया, एक एवरेज सी कहानी मिला दी गई। इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है अगर आप इसकी स्टोरी अगर ध्यान से देखें, और इसमें सिर्फ एक चीज ही नहीं है वैनम का करेक्टर इसमें डाला गया है कि भाई हाँ ये एडी से कैसे मिलता है, बस इतनी ही सी ही कहानी है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नयापन तो है नहीं। अगर मैं VFX की बात करूं तो VFX काफी ज्यादा अच्छे हैं, और अब जो इसकी मूवी आ रही है वैनम लेट देयर बी कार्नेज, जो ये मूवी है, जबकि मैंने 2018 वाली मूवी देखी मुझे याद नहीं आ रहा था कि एंडिंग में क्या हुआ था, तब इसलिए मुझे देखनी पड़ी थी। तो इसकी जब एंडिंग में जाते हैं 2018 वाली मूवी में, तो इसमें बताया जाता है कि एडी उसी इंसान से मिलता है जो इसमें आने वाला है इसकी सेकेंड मूवी के अंदर, वो खुद कहता है कि हाँ अब होगा कार्नेज यानी अब होगा नरसंहार। वैनम 2018 मूवी का एंडिंग और वैनम लेट देयर बी कार्नेज का ट्रेलर देखकर ये पता चलता है कि यार ये दोनों जो है वो वहीं से, मतलब ये जो सेकंड मूवी वहीं से स्टार्ट होने वाली है जहां से इसकी फर्स्ट मूवी खत्म हुई थी। ऐसा फील होता है जब ये वाली मूवी देखी और जैसा मैंने ट्रेलर देखा उससे लगता है। बाकी इस मूवी के अंदर कॉमेडी भी है जिसे और अच्छा बनाती है। वैसे मुझे लगता है कि वैनम के करेक्टर को और ज्यादा डरावना बनाना चाहिए था, क्योंकि यार वैनम को देखकर डर नहीं लग रहा था, मतलब ठीक था, वो फैमिलियर सा महसूस हो रहा था कि हाँ यार ये वैनम है, अच्छा है, कोई ऐसा कुछ डर सा ऐसा उसको फील नहीं हुआ। और बाकी अगर इसके एडल्ट सीन की बात करूं तो इसमें नहीं है, वॉयलेंस इसके अंदर ठीक ठाक ही है, ज्यादा वॉयलेंस नहीं है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6 out of 10। सर अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो आप स्पाइडरमैन के फैन है, वैनम के फैन है, इस तरीके के क्रिएटर या क्रिएचर देखना चाहते हैं तो बेशक आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। और ये हिंदी में है, हिंदी डब में, और हिंदी डबिंग काफी अच्छी है इसकी। आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।